लव स्टोरी इन हिंदी, अनोखा प्रेम कहानी। नाम सुन के क्या लगता है आपको, प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी और एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा, चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलिशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वही दूसरी और सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी और राधिका अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वही राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की और गया। फिर क्या, राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आते हुए, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चले गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहां राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो। अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक साधा जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन।
फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वहां अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहां से आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहां जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहां अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है, जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहां से क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और वहां से चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चले गई। बस फर्क इतना था आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुए और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताओ, आपको आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उसे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टेक केयर योर लाइफ, बाय।